हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ स्नेह अग्रवाल और आज मैं आपको कराने वाली हूँ क्लास 11 के चैप्टर 1 मैथ्स का, जो हमारा चैप्टर है उसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 में हमें क्या करना है, देखिए हमें गिवन क्या है कि ए यूनियन बी जो है वो इक्वल्स टू है ए यूनियन सी के। ठीक है, और एक और चीज़ गिवन है कि जो हमारा ए है वो हमारा इंटरसेक्शन है बी का, वो इक्वल्स टू है हमारे ए इंटरसेक्शन सी के। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि हमें ये चीज़ें गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि बी इक्वल्स टू सी है। अब देखिए कंडीशन क्या है कि हमें प्रूफ करना है बी इक्वल्स टू सी। अगर हमें बी इक्वल्स टू सी लाना है तो हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, वो क्या है कि हमें जो है बी को सबसेट बताना पड़ेगा सी का, और जो सी है उसको सबसेट बताना पड़ेगा बी का। जब ये कंडीशन हम ले आएंगे तब हम बोलेंगे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, ये एक रूल भी आपने पढ़ा होगा कि जब दोनों एक दूसरे के सबसेट होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे की इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम करेंगे कैसे। अगर हमें जब भी कोई ऐसी इक्वेशन बोला जाता है कि इसको प्रूफ करो, तो आपको कोई भी जो पहली चीज़ दे रखी है उसको लेट कर लेना है। क्या लेट करेंगे कि जो हमारा एक्स है वो बिलोंग्स करता है बी को। ठीक है, इतना चीज़ कर लिया कि जो हमारा एक्स है वो बिलोंग्स करता है बी को। अब देखिए हमें अगर वो बी को बिलोंग्स करता है तो वो ए के भी करता होगा, है ना। अब हमें गिवन है कि ए यूनियन बी, तो हम लिख सकते हैं कि एक्स जो है वो बिलोंग्स करता है ए यूनियन बी के। फिर हम लिख देंगे कि ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल है, तो हम लिख देंगे एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। ठीक है, इसको हम यहाँ ऐसे लिख देंगे गिव रीजन करके। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है यूनियन का, और तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी। अगर हमारा एक्स जो है वो ए को बिलोंग्स करता है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि वो ए और बी में दोनों में इंटरसेक्शन है, क्योंकि वो दोनों को बिलोंग्स कर रहे हैं। तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, और जो ए इंटरसेक्शन बी था वो ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल था, तो हम वो यहाँ लिख देंगे। अब क्या करना है, देखिए इसका मतलब होता है एंड, तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। अगर वो इन दोनों कर रहे हैं तो हमने एक्स बिलोंग्स टू ए को तो यहाँ पे हमने करके दिखा दिया था, अब हम दिखाएंगे ए बिलोंग्स वो एक्स बिलोंग्स टू सी को। तो एक्स बिलोंग्स टू सी जो है और एक्स बिलोंग्स टू बी दोनों क्या है हमारा है इक्वल होंगे। अगर वो दोनों एक्स बिलोंग्स एक दूसरे को कर रहे हैं तो वो दोनों एक दूसरे का सबसेट है, तो हमने लिख दिया बी को सबसेट है सी का। देखिए हम एक चीज़ ले आए कि बी सबसेट है सी का, हमें क्या लाना है कि सी जो है वो सबसेट है बी का। वो कैसे लाएंगे, सेम वही प्रोसेस करना है, बस एक्स की जगह हम वाई ले लेंगे और बिलोंग्स में ले लेंगे इस बार सी, क्योंकि हमने तब बी लिया था, अब हमें सी को लाना है। ठीक है, तो अगर C है तो हम लिख सकते हैं कि Y जो है बिलोंग्स करता है A यूनियन C को, और हमें गिवन था कि A यूनियन C A यूनियन B के इक्वल है। ठीक है, फिर इसका मतलब क्या होता है, और तो एक Y बिलोंग्स टू A और Y बिलोंग्स टू B। जब दोनों बिलोंग्स करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि अगर A को बिलोंग्स कर रहा है तो कंडीशन क्या होगी कि A और C जब एक दूसरे को बिलोंग्स कर रहे हैं Y से, तो हम लिख सकते हैं कि वो इंटरसेक्शन है। ठीक है, अगर इंटरसेक्शन है ए यूनियन सी तो ये किसका इक्वल होता है, बी के। हमने देखा था ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी इक्वल है। अगर अब ऐसे लिख रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे एंड, यानी वाई बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। अगर ये दोनों एक दूसरे को बिलोंग्स कर रहे हैं तो वाई बी जो हम लेंगे कि वाई बिलोंग्स टू बी और वाई बिलोंग्स टू सी, तो हम लिख सकते हैं कि सी जो है वो सबसेट है बी का। अब देखिए हम दोनों को लिया है सबसेट सबसेट, तो हम क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 4 इक्वेशन 5 जो हमारा बी है वो सी के इक्वल हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमारा जो बी है वो सबसेट है सी का और जो सी है वो सबसेट है बी का। ठीक है, हेंस प्रूफ। तो गाइस ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं क्वेश्चन 4 करते वक्त।